देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांडला में नई बस्ती जन्नत कॉलोनी निवासी दर्जनों दंगा पीड़ित महिला एवं पुरुषों ने स्थानीय थाने पर पहुंचकर एक व्यक्ति पर लोहिया आवास के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मामला वर्ष 2013 मुजफ्फरनगर दंगा तो सभी को याद होगा। वह ऐसा दंगा था जो कभी भी भुलाया नहीं जाएगा और दंगे में लगभग हजारों घर बेघर हो गए थे। उसी का कुछ लोगों ने फायदा उठाया तो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। घर से बेघर हुए बहुत से लोगों का तो आज तक घर भी नहीं है। घर का लालच देकर एक व्यक्ति ने दर्जनों घरों से लाखों रुपए ठग लिए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के कांडला क्षेत्र में देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, जनपद शामली के कांडला थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी जन्नत कॉलोनी निवासी दर्जनों दंगा पीड़ित महिला एवं पुरुषों ने स्थानीय थाने पर पहुंचकर एक व्यक्ति पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि कैराने निवासी शौकत ने लगभग 1.5 साल पूर्व उनसे सपा के एक मंत्री का प्रतिनिधि बताकर उनसे लोहिया आवास के नाम पर 20,000 रुपए दर्जनों महिलाओं से लिए थे। उक्त व्यक्ति ने आज तक उनके रुपए वापस नहीं दिए और ना ही उनके मकान बनवाए। रुपए मांगने पर उक्त व्यक्ति ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने खुद को मंत्री का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। अरे पैसे लाए थे 20,000 रुपए। इसका मंत्री का प्रतिनिधि है, 1.5 साल पहले पैसे ले रखे। नू कहते 15 दिन में मकान बन जाएगा सारे। कौन से मंत्री का प्रतिनिधि है? इसका तराना का। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शौकत। अब क्या कह रहा? अब कुछ भी नहीं कर रहा, अंदर है। अब लोग तो सब बात नहीं हुई। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई। थाने में है जी, इन्होंने जांच से दिया, बोला तुम्हें 20,000 रुपए दो और तुम्हें 4.5 लाख रुपए देंगे। हमने इन्हें भगा कर दे दिए। वो कराने वाले हैं, क्या नाम है इसका, इसको हमने दिए थे। क्या कह के लिए थे? बोला भाई तुम्हारे मकान बनवा देंगे और हमें 20,000 रुपए दो। उस दिन के बाद आज मिला, हमने अपने बच्चों के मकान बेचे, बाले बेचे, बच्चों का सारे बेच कर जीवन को दिए। मेरा मामला ये है जी, 1.5 साल पहले पैसे लिए थे लोहिया आवास के, उसमें ठक्कर लेगा प्रतिनिधि बन के। कौन लोग? ये रियासत राणा का प्रतिनिधि शौकत और पीड़ित सारी महिला। कल मैं वहाँ ड्यूटी कर रही थी पोलियो में, और मुझे किसी वजह, मैंने मीटिंग भी कई बार की और कल ही मुझे खेल फंस गया वहाँ से। तो मुझे देख के इन्हें मेरे पर हमला बोल दिया एकदम। तो मैंने तुरंत ही कॉल करी 100 नंबर पे, वहाँ पुलिस आ गई। वैसे मैंने यहाँ से कांडला में एप्लीकेशन लगा रखी थी पहले भी। कितने पैसे, कितने लोगों के पैसे हैं? 16 आदमियों के पैसे है जी, 20,000 रुपये। कितने दिन पहले पैसे लिए थे? 1.5 साल पहले। क्या कह के? लोहिया आवास के मकान बनवा।